Good morning, children. Today, I am going to teach you class 5, science, chapter 5, the skeletal system. The skeletal system. It is a very interesting chapter. Okay. In this chapter, we will know about our body inner structure. Okay, so our body is an amazing machine. हमारा जो body है एक बहुत अच्छा machine है. जैसे computer is a machine, we do various work in this machine. हम computer में बहुत सारे काम करते हैं. ठीक उसी तरह हमारा body भी एक machine है जिसके अंदर बहुत सारे काम होता है. इट कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस विच नो अदर मशीन कैन. हमारे बॉडी जो मशीन है इस मशीन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिस काम को दूसरा कोई मशीन नहीं कर सकता. अनलाइक अदर मशीन्स आवर बॉडी कैन सी हियर स्मेल मूव grow, breathe and reproduce. जैसे कि हमारा बॉडी में कौन कौन सा काम होता है, हमारा बॉडी जो मशीन है वो मशीन में क्या क्या काम होता है सी हम देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, मूव एक जगह से और एक जगह जा सकते हैं, ग्रो हम छोटे से बड़े हो सकते हैं, ब्रेथ कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस बच्चे जन्म भी दे सकते हैं. तो हमारे बॉडी में बहुत सारा काम होता है. जैसे कि हमारा बॉडी जो काम कर सकता है दूसरा मशीन, हमारा बॉडी एक मशीन है तो दूसरा मशीन ये सब काम नहीं कर सकता. सो द फूड वी ईट is broken into simpler forms and digested in our body. जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे अंदर जाता है. अंदर जाने के बाद वो simpler form में बदल जाता है, छोटा छोटा हो जाता है and then वो digest हो जाता है, हजम हो जाता है. खाना हमारे अंदर जाके छोटा होके वो digest होने के बाद it is then carried by the blood to different parts of the body. उसके बाद हमारे शरीर में जो चारों तरफ ब्लड है वो ब्लड में वो खाना चला जाता है. और जैसे कि हमारा शरीर में हर जगह ब्लड है वो ब्लड क्या करता है ना खाने को हमारे शरीर में पहुंचाता है, सब जगह पहुंचाता है. To different parts of our body and supplies energy for all type of work we do. और जितने भी काम करते हैं हम जो एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है. पहले हम फूड खाते हैं, डाइजेस्ट होके वो हमारे सारा शरीर में हमारा बॉडी में चला जाता है थ्रू ब्लड के जरिए एंड देन हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. सो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी देख सकते हो पीछे तस्वीर में है. हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लाइक ए मशीन आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. जैसे कि एक मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है. द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट है उसको हम बोलेंगे ऑर्गन्स. ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस इन अवर बॉडी. ये सब जो ऑर्गन्स है ये हमारे बॉडी के अंदर रहकर क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं. जैसे कि कंप्यूटर का सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, उन सब का अलग अलग काम है. ठीक उसी तरह
तरह हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स है उन सब का अलग अलग काम होता है। द लंग्स, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन आर सम इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, ठीक है, लंग्स, किडनी, देन हार्ट, ठीक है, हमारे अंदर सब है, हार्ट है, किडनी है और ब्रेन है, ब्रेन है, लंग्स है, तो ये सब एक एक ऑर्गन है और सबका अलग अलग काम होता है। वी कैन नॉट सी दोज ऑर्गन्स बट कैन फील देयर वर्किंग। सो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है उसका हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके जो काम होते हैं उस काम को हम फील कर सकते हैं। Those internal organs continue working in our body day and night. जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं ना, दिन और रात 24 आवर्स दिन और रात हरदम वो अपना काम करते हैं, वो रेस्ट नहीं लेते। The internal organs of our body are very soft and delicate. तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है बहुत सॉफ्ट होते हैं, देयरफॉर दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है उनको बचाना चाहिए, वो सब इंजरी से बचाना चाहिए, किसी भी चीज से उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए, उसको सब धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। देयर आर मेनी अदर सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी विच ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन। और भी कई सारे बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर जो कि बहुत सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको भी बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। Let us see how those internal organs are protected. तो हम अभी जानेंगे हमारे internal, हमारे body के अंदर जितने भी सारे organs हैं, वो protect कैसे रहते हैं। When we touch our hand, arms, feet, back and shoulders, we feel soft skin. If we touch our skin, arms में, hand में, feet, हमारे back में, जिधर भी हम टॉच करेंगे उधर हमको थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर स्किन है, ऊपर स्किन है। वी प्रेस ऑन दोस पार्ट्स मोर वी फील हार्ड स्ट्रक्चर। अगर उस पे हम और जोर से प्रेस करेंगे तो हमको थोड़ा हार्ड फील होगा, अगर धीरे टच करेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, अगर जोर से अगर प्रेस करेंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा। Those hard structures are bones. जो हार्ड लगता है हमको वो है bones. ठीक है? Those bones form the framework of the body. यही bones की वजह से हमारे body का गठन हुआ है। हमारा body का गठन किससे हुआ है? Bones से। Thus protect the soft organs from outside injury and shock. And मेन थिंग इज ये जो जितने भी सारे बॉन्स है वो सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कहां से, शॉक इंजरी से। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी लार्ज एंड स्मॉल बॉन्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉन्स है, छोटे भी है और बहुत बड़े भी है। द बॉन्स इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी of the body are different. तो हमारे different parts हमारे body के अंदर different जगह पे different क्या है, bones है और वो सबसे अलग है, एक दूसरे से सब अलग होते हैं। The framework of bones is called skeleton. तो जो हमारे body जो bones से तैयार हुआ है उसको हम बोलते हैं skeleton. तो body के अंदर जितने भी सारे bones है हम
बोलेंगे उसको स्केलेटन सिस्टम। सो अभी हम पढ़ेंगे द स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन ऑफ द बॉडी गिव्स फॉर्म शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटन है, स्केलेटन मींस बोन्स, तो उसी बोन्स की वजह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका शेप साइज और सपोर्ट, हम खड़े होते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, बेंड होते हैं, सब किसकी वजह से? यही बोन्स के वजह से। We can stand, sit, walk and move because of our bones. इसी bones के वजह से हम क्या करते हैं? बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, चल सकते हैं, move कर सकते हैं। This framework of bones encloses the internal organs and protects them. तो यही जो जितने भी सारे bones हैं, वो हमारे body के अंदर जितने भी organ हैं, उसको बचाता है, उसको वो protect करता है। The skeleton system is made up of 206 bones of different shape and sizes. तो हमारे skeleton system में कितने bones है? Total 206 bones are there in our body. हमारे body के अंदर 206 skeleton system में bones है, जो छोटे भी है और बड़े भी है। The bones are made up of living cells. The bones have nerves and blood vessels. तो हमारा जो bones है, वो living cells से तैयार किया गया है। The bones have nerves and blood vessels. तो हमारे जो bones में और क्या क्या है? Blood vessels भी है, जो vessels हमारा सीरा, जहां से खून जाता है, ठीक है, blood जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन में कौन कौन सा पार्ट है? पहले आएगा स्कूल, SQLL, स्कूल, स्कूल, खोपड़ी, स्कल, SKULL, स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स फिटेड टुगेदर। तो हमारे स्कल में 8 और 8 फ्लैट बोन्स है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The human skull is very hard because it contains a delicate brain which control our all body functions. तो हमारा जो skull है, skull system है, वो बहुत hard होता है, खोपड़ी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर brain है, जिसके वजह से वो brain का क्या करता है? हमारे सारा body को वो control करता है। जितने भी सारे काम हम करते हैं, सब काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एंड सॉ। तो हमारे ब्रेन किसी भी बाहरी चीज से आघात ना पहुंचे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे ऊपर क्या है? ब्रेन के ऊपर स्कल है, जो कि बहुत हार्ड है और हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है। क्या? स्कल। देयर आर 14 फेशियल बोन्स व्हिच फ्रॉम द फेस। एंड हमारे फेस में 14 बोन्स है, जो कि हमारे फेस को बनाता है। 10 बोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर्चेस। 10 फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द मेजर सेंस ऑर्गन्स। ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। इट एनेबल्स us to eat and talk. तो हमारे जो फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन्स वो भी हमारे बहुत सारे ऑर्गन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और हमारा यहाँ पर जितने भी सारे बोन्स है, सिर्फ हम लोअर जॉ इसको ही हिला सकते हैं, ठीक है। क्यों? खाने के लिए और बात करने के लिए। अगर ये नहीं हिलेगा तो हम बात नहीं कर सकते, खाना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ भी मूव नहीं होता, सिर्फ ये नीचे का जो ही मूव हो पाता है। नेक्स्ट, बैक बोन। हमारे बैक पीछे जो बोन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कॉल के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे बैक बोन। द स्कॉल इज अटैच टू बैक बोन विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। द स्कल एंड बैक बोन आर अटैच्ड।
तो हमारा स्कल से अटैच है, हमारा बैकबोन जो है वो अटैच है। इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स व्हिच लाई वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। तो यहाँ पर कितने बोन्स है हमारे बैकबोन में? 33 बोन्स। कितने? 33 बोन्स। दोज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्राए एंड द कॉलम ऑफ बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो इसी बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रा। तो हमारा बैकबोन में जितने भी सारे बोन्स है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। एंड द कॉलम ऑफ द बोन्स, जो कॉलम ऊपर है जो बोन्स, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइन। और बैकबोन क्या करते हैं? हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको, स्नायु उसको भी प्रोटेक्ट करता है। आवर बैकबोन इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो हमारा बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल है जिसके वजह से हम बेंड हो पाते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे जहां भी चाहे हम बेंड कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। दिस हेल्प अस टू बेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आगे भी हम झुक सकते हैं, पीछे भी झुक सकते हैं। किसकी वजह से? बैकबोन की मदद से। इफ वी स्टैंड इरेक्ट ऑन आवर लेग्स वी कैन बेंड अप अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी एदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर हम सीधा खड़े हो जाएंगे, पैरों में सीधा खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद हम आराम से अपने आप को बेंड कर सकते हैं। अपने पैरों को बेंड ना करते हुए हम अपने आप को बेंड कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी। किसकी वजह से? बैकबोन के मदद से। वी कैन ऑल्सो मूव अवर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग और मूविंग अवर लेग्स। और डिफरेंट डायरेक्शन में हम भी मूव कर सकते हैं विदाउट बेंडिंग अवर लेग्स। और हमारा लेग्स को बेंड ना करते हुए हम इधर उधर राइट लेफ्ट कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। देन आया रिब कैच। पीछे है देखो तस्वीर में, द रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, ठीक है, ऑफ लॉन्ग कॉर्ड फ्रॉम स्कल बोन्स कॉल्ड द रिब्स। तो जो 12 जोड़ी हड्डी है हमारे रिब्स में उसको हम बोलते हैं रिब। ऑल द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर जॉइंट आर द बैक टू द बैकबोन एंड द फर्स्ट 10 पेयर्स आर जॉइंट इन फ्रंट टू द ब्रेस्ट बोन। तो जितने भी 12 पैर है, 12 दूनी 24 अर्थात 24 है, कितना बोन्स? 24, 12 पैर से। तो यही 12 पैर में से ऑल द 12 पैर ऑफ रिब्स आर जॉइंट आर द बैक टू द बैकबोन, हमारे बैकबोन से वो जॉइंट हुआ है, जुड़ा हुआ है। एंड द फर्स्ट 10 पैर, और जो फर्स्ट ऊपर जो 10 पैर से वो क्या है ना, हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़ा हुआ है। ब्रेस्ट आगे से, आगे से जुड़ा हुआ है और पीछे से, पीछे से आगे तक ये जुड़ा हुआ होता है। द लास्ट टू रिब्स आर थ्री आर द फ्रंट एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जो दो हड्डी है, दो बोन है, वो फ्री रहता है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता। पीछे देखो तस्वीर में है, देख सकते हो। Then the rib cage protect the heart and the lungs from injury। और जो ये रिब केज है, देख सकते हो, ये रिब केज क्या करता है? हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिम्स, ठीक है। देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर दो लिम्स होते हैं। वन पेयर ऑफ लिम्स इज पेयर ऑफ फोर लिम्स और आर्म्स। आर्म्स जो हमारे हाथ है वो वन पेयर लिम्स है। एंड द अदर पार्ट अदर पेयर इज ए पेयर ऑफ हाइंड लिम्स और लेग्स। हमारा जो लेग और हाँ, ये है हमारा फोर लिम्स, ठीक है। ये है हमारा क्या, फ्रंट लिम्स और फोर लिम्स, और जो हमारा लेग है उसको हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। द लिम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स लिफ्टेड फिटेड टूगेदर। और हमारा जो लिम्स है, हाथ और पैर, इसके अंदर बहुत बड़ा हड्डी होता है या बोन्स होता है। देखो
बॉन्स ऑफ द आर्म, हमारे आर्म हमारे हाथों में जो बॉन्स है, बॉन्स ऑफ द हमारे लेग में जो बॉन्स है, तस्वीर में देख सकते हो वो थोड़ा लंबा होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रिडल्स। ग्रिडल्स देयर आर टू पेयर ऑफ ग्रिडल्स, देयर आर ए पेयर ऑफ सोल्जर ग्रिडल्स एंड पेयर ऑफ हिप ग्रिडल्स। एक है हमारा सोल्जर ग्रिडल्स और एक है हमारा हिप ग्रिडल्स, हिप हमारे हिप ग्रिडल्स और सोल्जर ग्रिडल्स। द लिम्स आर नॉट जॉइन डायरेक्टली टू द बैकबोन बट टू द ग्रिडल्स। तो हमारे जो लिम्स है वो डायरेक्टली हमारे जो लिम्स है जो बैकबोन है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन वो ग्रिडल्स से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा लिम्स? हमारा जो लिम्स देखो यहाँ पर है ऊपर लिम्स, उसके नीचे क्या है हमारा बोन्स ऑफ आर्म है, और उसके बाद देखो ऊपर है ग्रिडल्स और उसके नीचे है हिप ऑफ ग्रिडल। द ग्रिडल्स लाई ऑन एदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर फिक्स्ड टू इट। और जो ग्रिडल्स होते हैं वो लाई ऑन एदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारा बैकबोन के दूसरे साइड में है और ये एक फिक्स्ड होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन में और कौन कौन से फंक्शन।